अब के जन्मे लिए हैं तुरंत नदी पार कर जाएंगे। पर कॉन्फिडेंस तो है। अरे प्रशांत किशोर जैसा करप्ट आदमी कोई है? करप्ट है वो तो बोलते हैं कि सारा जितना जो नेता है सब करप्ट है और सब के वो रणनीतिकार रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो कितना बड़का करप्ट है। प्रशांत किशोर ये सब चिराग पासवान कोई टिकेगा जी? कोई नहीं टिकेगा। अरे वो सैनिक थे एक समय, अब राजा बनने की ख्वाब देख रहे हैं। एको को सीट नहीं जीतेंगे जी, क्या बात कर रहे हैं। झूठो मुठो के आ गए हैं कि वोट काटे लगे। वोट काटेंगे किसका? उनका वोट कटवा नाम है प्रशांत किशोर के। क्या सोचते उपचुनाव में क्या होगा? 4 सीट में से कितने सीट जीतेंगे? 4 सीट की चुनाव ही नहीं है, 3 सीट तेजस्वी यादव का कंफर्म है। 3 सीट तेजस्वी को मानना पड़ेगा ना, 3 सीट जीते हुए तो वहाँ पे तेजस्वी यादव वहाँ से तो हारे नहीं है, कोई सांसद बने इसी वजह से ना चुनाव हो रहा है वहाँ पे 3 सीट पे। तो एक सीट की लड़ाई है, एक सीट के लिए तेजस्वी यादव जनसुराज जीतेगा? नहीं नहीं, एक सीट तेजस्वी यादव काम किया उसके बाद एक सीट चुनाव तेजस्वी यादव निकालेंगे। 3 सीट कंफर्म है तेजस्वी यादव को, 4th सीट पे लड़ाई है, अब कौन बाजी मारते हो तो देखना ही पड़ेगा। बिहार में अगले साल जो है चुनाव होना है, उससे पहले अगले महीने जो है 4 विधानसभा में 4 सीटों पे जो है उपचुनाव होगा। इसमें फैसला होगा कि कौन बाजी मारता है, क्योंकि इस बार जन सुराज भी मैदान में है और लगातार दावे किए जा रहे हैं जन सुराज की तरफ से कि वो जो 2025 का मामला है 24 में ही सेटल कर देंगे। जनता क्या सोचती है जनता से ही जानते हैं। प्रशांत किशोर को जानते हैं? प्रशांत किशोर को हम अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। वो सलाहकार है, बिजनेसमैन है, उनके ही पार्टी का एक हाल ही में उनसे पार्टी से जो निकले हैं, खुद ही निकले, निकाला नहीं गया, खुद ही निकले हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बेलागंज से कुछ कोई है मुस्लिम समुदाय से। हाँ। ठीक ना, वो साथ चले उनके साथ। वैसंबर की बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ, हाँ। वो साथ चले, उनको पार्टी इज्जत नहीं दे पाई तो दूसरों की क्या बात करे। और वो खुद बोले हैं कि ये पार्टी नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो खुद ही बोले, उनके पार्टी से रहते हुए भी बोले हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनका, ये पार्टी उटी नहीं है। तो जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में? अच्छा, जनता की सेवा करने के लिए रहता तो यहाँ बिहार की वोटर आई कार्ड नहीं था किसी के पास, तो दिल्ली के वोटर आई कार्ड वाला को टिकट दिया गया। अब तो कैंडिडेट बदल दिए, कैंडिडेट अब तो पकड़ा गए तुमने बदल दिए। अब चोरी करिएगा किसी घर में पिटाइएगा तो बोलिएगा कि हम नहीं चोरी किए थे, पिटा गया उसके बदला वसूली हो गया, कोई बात हुई? अब तो पकड़ा गए, पैसा लिया, उससे सोचते हैं कि पैसा लेंगे कहीं होगा तो निकाल लेंगे। पैसा लेगा उसको? हाँ, वो कंपनी खोलने आया बिहार में, तो बिहार इतना बेवकूफ नहीं है, उनको बता दीजिएगा कि कंपनी नहीं है, सरकार चलती है, और कंपनी या चलाना होगा तो कोई और राज्य में चलाइएगा कंपनी। पार्टियों के सलाहकार भी रह चुके हैं और अब अपनी पार्टी लॉन्च की है। सलाहकार तो वही तो बोल रहे हैं कि उनका काम ही धंधा करना, उनका वो सलाहकार थे कई पार्टियों का। हाँ। लेकिन अब स्वार्थ बन गए हैं, स्वार्थ की सेवा करना स्वार्थ होना हो गया। कैसा जनता की सेवा मैडम, कैसा? कह रहे नीतीश लालू बिहार को लूटे हैं, हम आएंगे तो बिहार के लोगों का भला करेंगे। कैसे भला करेंगे? दारू चालू पलायन रोकेंगे, दारू जो चालू करवा के शिक्षा पे ध्यान देंगे। दारू चालू होने से पलायन रुक जाएगा, भला हो जाएगा बिहार का और बिहार बर्बाद हो जाएगा। एक बात बताइए, दारू अगर ठीक है सेल आप शुरू कर दिए, दारू से जो इनकम आएगा वो सरकार को जाएगा, तो जनता को भला कैसे कर रहे हैं आप? कह रहे 15 मिनट में शराबबंदी खत्म कर देंगे। खत्म तो है ही, ऑफिशियली खत्म है। वो कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो बंद करवा देंगे, ये उन्होंने कहा। अगर चालू हो जाता है तो चालू जो भी शराब सेल होगा वो उसका जो इनकम होगा सरकार के खाते में जाएगा, आपके खाते में जाएगा। 4 सीटों पे उपचुनाव है, उनके कैंडिडेट भी है, क्या लग रहा है? नीलवटा जीरो, कुछ नहीं, फेंका जाएंगे, जीरो पे आउट होंगे, दिखावे के लिए, बिल्कुल एक भी सीट नहीं देंगे। बोल तो रहे हैं जीरो पे आउट हो जाएंगे। बिहार में दारू बंद है क्या? अभी वह उपचुनाव की बात हो रही है, एक भी नहीं, ऑफिशियली तो बंद है। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, चालू करवा दूंगा, मैं जनता के बारे में सोचता हूँ। हाँ। तो चालू होने से तो जनता फिर वहीं चली जाएगी जहाँ थी। चलिए, क्या सोचते उपचुनाव में क्या होगा? 4 सीट में से कितने सीट जीतेंगे? 4 सीट की चुनाव ही नहीं है, 3 सीट तेजस्वी यादव का कंफर्म है। 3 सीट तेजस्वी को मानना पड़ेगा ना, 3 सीट जीते हुए तो वहाँ पे तेजस्वी यादव वहाँ से तो हारे नहीं है, कोई सांसद बने इसी वजह से ना चुनाव हो रहा है वहाँ पे 3 सीट पे। तो एक सीट की लड़ाई है, एक सीट के लिए तेजस्वी यादव जनसुराज जीतेगा? नहीं नहीं। हाँ। एक सीट तेजस्वी यादव काम किया उसके बाद एक सीट चुनाव तेजस्वी यादव निकालेंगे। हाँ। 3 सीट कंफर्म है तेजस्वी यादव को, 4th सीट पे लड़ाई है, अब कौन बाजी मारते हो तो देखना ही पड़ेगा। कहीं नहीं है, कहीं नहीं दिखी नहीं रही है, तो कॉन्फिडेंस में बोलेगी 25 का इंतजार नहीं करेंगे, 24 में ही फरिया लेंगे। अरे उनको स्टेटमेंट ही नहीं पता चलता, वो पहले तो बोले कि हम मुस्लिम को 61 को टिकट देंगे, फिर बोलते हैं कि 41 को टिकट देंगे, फिर कहेंगे 40 को टिकट देंगे, अब क्या बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर जहाँ जहाँ लड़ाएगा मुस्लिम को वहाँ वहाँ टिकटें नहीं देंगे। तो हम इतना कर रहे तेजस्वी यादव 243 पर लड़ाएंगे, तो आप चुनाव नहीं लड़िएगा? आप 243 पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ाते हैं, तो आप चुनाव नहीं लड़िएगा? तो आप बैठ जाइए पलंग से, तेजस्वी यादव हम लड़ाएंगे मुस्लिम को 243 पर चुनाव, आप बैठिए।
कह रहे 15 मिनट में सत्ता में आते ही शराबबंदी जो है वो खत्म कर देंगे। उनसे देखिए वही तो बोल रहे हैं, गांधी जी का फोटो लगा दिया उनको, जैया मिलेगा उनको सबसे पहले हम ही सीख ही दिलेंगे कि या तो आप शराब चालू करने की बात कीजिए या तो गांधी जी के फोटो हटा दीजिए। दो काम ऐसे कीजिए, फोटो रखिएगा तो शराब की बात मत कीजिए, अगर फोटो नहीं रखिएगा तो शराब की बात कीजिएगा, और जो आप काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं दिख ही नहीं रहा उनसे, उनसे कुछ बात ही नहीं बनती है। लोगों की भीड़ लगती है उनकी सभा में, 500 पे जगह बैनर, 500 पे बैनर पोस्टर, इतना सत्ता में रह चुकी है बिहार में, उसके पास इतना पैसा नहीं है, सोच लीजिए उसके पास इतना पैसा है, देख लिए जक्सन तहत हर ऑटो पे उनका पोस्टर, वही तो बोल रहे हैं पैसा आ रही है कहाँ से, बताइए पहले प्रशांत की, सोचिए पैसा कहाँ से आ रही है आपको। वो टिकट बोले थे कि हम ऐसे को टिकट देंगे जो हमारे साथ पैदल चला है, पैदल चलने वाला तो बेचारा नाराज है कि अब हम वो पैदल भी चले, वो ऐसे को सदस्यता है कहा कि इतना ही दिला पाए जो उनके साथ पैदल फर्स्ट दिन से चला, साथ चला उनके ही नहीं, उनके भी नहीं हुआ पे तो बिहार के काम न पाई हो पाएंगे, भरोसा नहीं रहा, कोई भरोसा नहीं है उन पे, भरोसे नहीं है प्रशांत किशोर पर, कोई भरोसा नहीं है। चलिए क्या कुछ कहेंगे 25 में चुनाव से पहले तो उपचुनाव होने है अगले महीने में, प्रशांत किशोर कुछ अलग करेंगे इस बार? कुछ नहीं करेंगे, वो घंटी लेंगे या घरे जाएंगे, घंटी लेंगे घरे जाएंगे, गांधी मैदान से घंटी मिलेगा और घंटी बजाइए घरे जाइए वाला कहानी नहीं, फिर से वो पद यात्रा करेंगे। अरे कुछ यात्रा बदलेंगे, देखिए आप जैसे युवाओं को रोजगार देंगे, पलायन नहीं चाहिए उनका रोजगार, हमको हमको तेजस्वी यादव चाहिए, क्यों तेजस्वी चाहिए, क्योंकि वो 17 महीने में जो काम किए हैं, हाँ। युवा लोग सब जान रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, हाँ। अच्छा तेजस्वी यादव सब युवा जान रहा है, हाँ। उपचुनाव पे ये प्रशांत किशोर लग रहा है कि कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ खाली झूठ बोलेंगे, चारों सीटों पे जो है उनके उम्मीदवार, अरे एको को सीट नहीं जीतेंगे जी, क्या बात कर रहे हैं, झूठो मुठो के आ गए हैं कि वोट काटे लगी, वोट काटेंगे किसका, उनका वोट कटवा नाम है प्रशांत किशोर के, प्रशांत किशोर का नाम वोट कटवा है, खाली आते हैं वोट काटने के लिए, 25 में सरकार बना रहे हैं कौन प्रशांत किशोर, आप हमसे शर्त लगाइएगा नहीं बनेगा तब, हम क्यों शर्त लगाएंगे, कोई शर्त लगा दावा कर रहे हैं कि, अरे हम प्रशांत किशोर के दावा कर रहे हैं कि आपका सरकार नहीं बनेगा 25 में, पूरा चैलेंज दे रहे कि नहीं बन गई तो बन गया, जो कहिएगा जो सही है, नहीं बनेगा तब, नहीं बनेगा तब बोलिए, अरे यहाँ खिलौना है कि तुरंत किन के लाए या फिर तोड़ के बिक दिए फिर चल गए, किन की बनेगी सरकार, तेजस्वी यादव में कोई शक नहीं है, युवा नीतीश कुमार नहीं बदलाव कर देंगे, नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, वो खुद बोलते हैं कि अब भतीजा संभालेगा बिहार, तो ये प्रशांत किशोर है सब चिराग पासवान कोई टिकेगा जी, कोई नहीं टिकेगा, इधर युवा है क्या लग रहा है, उपचुनाव में 4 सीटों पे उपचुनाव होना है, वो भी कैंडिडेट उतारे हैं, जीतेंगे अब के जन्मे लिए हैं, तुरंत नदी पार कर जाएंगे, पर कॉन्फिडेंस तो है, अरे प्रशांत किशोर जैसा करप्ट आदमी कोई है, करप्ट है वो तो बोलते हैं कि सारा जितना जो नेता है सब करप्ट है, हाँ। और सबके वो रणनीतिकार रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो कितना बड़का करप्ट है, फिर साथ छोड़ दिए ना इसीलिए तो अपनी पार्टी, अरे तो माल मलाई खा के साथ छोड़ दिए तो क्या हो गया, अब जनता की सेवा करेंगे, मौका दीजिए बिहार बदलने, अरे वो सैनिक थे एक समय, अब राजा बनने की ख्वाब देख रहे हैं, चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, क्या बात करते हैं, हाँ। नेता बनाएंगे, खुद नेता नहीं बनेंगे, सब शतरंज का मोहरा है, सब क्या शतरंज का ये सब मोहरा है, शतरंज का चाल है, घोड़ा राइड एक चल रहा है, मतलब नहीं समझे, क्लियर बताइए जनता भी समझे, तो जनता समझ जाएगी ना, क्लियर बोलिए ना, डर किससे रहे हैं, का हम का है डरेंगे, डरते हैं बिहारी है, डरता है, हाँ, खुल के बोलिए, तो खुल के तो बोल ही रहे हैं, कौन घोड़ा है कौन शतरंज का खेल है, प्रशांत किशोर घोड़ा है शतरंज, हाँ। का खेल खेल रहे हैं, हाँ। कुछ होने वाला थोड़े है, जनता विश्वास करेगी ना, जनता विश्वास नहीं, जनता देखिए अभी बिहार में तो किसी पर विश्वास नहीं कर रही है, तेजस्वी को छोड़ के, लेकिन तेजस्वी को भी कुछ कुछ निर्णय खास लेना होगा, क्योंकि तेजस्वी पीछे होने का कारण है कि उनको रणनीतिकार सही नहीं है, सही मुद्दे पे नहीं बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार चाहिए तेजस्वी को, ना ना नीतीश कुमार के रह चुके हैं, मोदी जी के रह चुके हैं, अगर देखिए प्रशांत किशोर इतने अच्छे आदमी होते तो भारत आज इतने कर्जा में नहीं डूबता, भारत का जो प्रधानमंत्री का अनपढ़ आदमी नहीं बन जाता, जो हर बात हर वक्त नटवर लाल की तरह बदलते रहता है, बिहार का मुख्यमंत्री जो बहुत करीबी रहे हैं प्रशांत किशोर, बिहार का ये दुर्दशा नहीं रहता, कह रहे प्रशांत किशोर सत्ता में आएंगे पलायन रोकेंगे शराबबंदी खत्म करेंगे, नहीं देना, नहीं चाहते कि पलायन रुके, रोजगार नहीं चाहिए आप लोगों को,
बिहार में यह नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता नहीं। की सूरत तो दावा कर अरे ये अभी आप लोग सभी लोग हैं यहाँ पर, खाली हिंदू मुसलमान हो रहा है, थोड़े इसे होगा बिहार का बदलाव होगा। बिहार को एक सकुशल राजनीतिज्ञ की जरूरत है, उसमें तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मतलब लालू यादव के अंश हैं, इसलिए उनमें है काबिलियत है, उनमें काबिलियत है लेकिन वो भटक जाते हैं। उनको सही हाँ रास्ता उनको खुद तैयार करना होगा कि हम कहाँ से चूक हो रहा है और हमको कहाँ जो वोटर है उसमें कहाँ कमी पाया जा रहा है, और मतलब कि एक अच्छा रास्ता बना करके 2025 में उनको फतेह करना चाहिए, क्योंकि बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के लिए उन्होंने ये 6 महीना में काफी कुछ किया है। तो प्रशांत किशोर तो चुनौती बन गए हैं तेजस्वी के लिए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, टक्कर में नहीं है, किसी को टक्कर नहीं दे पाएंगे प्रशांत किशोर। कुछ वोट काटेगा 5-6 हजार का। चलिए बस वोट काटेंगे प्रशांत किशोर, ऐसा हम नहीं कह रहे, युवाओं का कहना है। बाकी आप बिहार उपचुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।